subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आर इन्फो चैनल के व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। परवरदिगार आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज की एपिसोड एक ख़ास कब्र के बारे में है जो आम कब्रों से बहुत मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इसलिए कि ये अपनी लंबाई के लिहाज से एक आम कब्र से बहुत ज़्यादा लंबी और चौड़ी है। टॉपिक के हवाले से बात करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नौ मीटर लंबी कब्र जो अकले इंसानी को तजस्सुस में मुब्तला किए हुए है। नाज़रीन, पोठवार के इलाके बेवल में वाक़िया एक मज़ार जिसमें दफन शख्सियत के बारे में कहा जाता है कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही यहाँ तशरीफ़ लाए। कहा जाता है कि आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खरका भी अता किया गया था और उसी खरका समेत आपको दफन किया गया। इस शख्सियत का नाम हज़रत जाफ़र बिन ज़ियाद बताया जाता है। कब्र की लंबाई का तल्लुक आपकी दराज का दुकामत है या कुछ और, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हमें देखने और सुनने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। चुनाचे इस मज़ार के आसपास ऐसी कोई कब्र नहीं जो अपनी लंबाई के लिहाज से इस कब्र के साथ मुनासिबत रखती हो।